और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें अनोखे अंदाज में याद किया। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के अगु गांव पहुंचे और जहां कभी गांधी जी ठहरे थे। गांधी जयंती के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बापू को अलग तरीके से याद किया। केंद्रीय मंत्री ओडिशा के उस अंगुल गांव पहुंचे जहां 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ठहरे थे। केंद्रीय मंत्री बामूर डाक बंगला पहुंचे जहां उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और कुछ देर चरखे पर भी हाथ आजमाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक 6 साल के बच्चे ने मुझे चरखा चलाने का तरीका सिखाया। डाक बंगले में केंद्रीय मंत्री को खादी से जुड़े उत्पाद भी दिखाए गए जिनका उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के साथ स्थानीय उत्पादों और अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धर्मेंद्र प्रधान गांधी जयंती के मौके पर अंगुल में हुई पदयात्रा में भी शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी इस पदयात्रा में शिरकत की। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।